रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज एवन किचन में बन रहा है काले चने, तो आइए देखते हैं कैसे बनता है और क्या क्या चीजों की जरूरत होगी। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आज हम बनाएंगे अपने किचन में काले चने और बहुत ही मजेदार चटपटे से बनते हैं। अफ्तार में ट्राई करिएगा और दुआओं में जरूर याद रखिएगा। उसके लिए मैंने ले ली हैं जो चीजें, उनमें मैंने ले लिए हैं काले चने, तकरीबन आधा किलो के करीब हैं ये आधे चने काले, और प्याज है जिनको मैंने चॉप कर लिया है, जरा काट लिया है बारीक, और हरी मिर्चें, हरा धनिया, और ये इमली का पल्प है, गूदा जो होता है इमली का वो निकाल लिया है, बीज निकाल दिए इसमें से, और एक टमाटर ले लिया है मैंने, और ये ड्राई स्पाइसेस हैं जिनमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है एक चमची, और जीरा है, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसी हल्दी, नमक, और ये मैंने लिया है खटाई पाउडर है ये एक चम्मच टेबल स्पून, और चाट मसाला। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। साथ रहिए रहमानिर्रहीम। हम लेंगे इसमें कढ़ाई में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, इसमें ऐड कर रहे हैं हम। कुकिंग ऑयल में हम सबसे पहले डालेंगे प्याज। प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे और साथ में इसके डाल देंगे जीरा। इसमें जीरा ऐड कर देंगे एक चमची के करीब। प्याज हमने लिए एक दरमियाने साइज की प्याज है जिसको बारीक चॉप कर लिया था मैंने। प्याज फ्राई हो जाए जरा, जीरा डाल दिया है, थोड़ा सा हल्की सी प्याज जरा गुलाबी हो जाए। प्याज थोड़ी सी नरम हो गई है हमारी, बस अब हम इसमें अपने मसाले ऐड कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी ही लाल मिर्च आधा चम्मच, हल्दी, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालिएगा सारी चीज़ें, जितनी आप बना रही हैं उस हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। नमक अपने हिसाब से डालिएगा जायके के मुताबिक। ये कुछ खटाई पाउडर है एक चम्मच ले लिया था मैंने, और ये है चाट मसाला एक चमची। इनको हम करेंगे ज़रा सा फ्राई, सारे मसाले जो हमने इसमें डाले हैं प्याज में, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, खटाई पाउडर, जीरा, चाट मसाला, इसमें डाल रहे हैं टमाटर, अच्छे तरीके से ज़रा इसको फ्राई करेंगे हम। जितनी भी चीज़ें डाल दी सब, थोड़ा प्याज वो टमाटर बिल्कुल नरम हो जाए ज़रा। डालेंगे इमली का पेस्ट जो हमने निकाल के रखा था, थोड़ी सी इमली थी ये, इस तरीके से ज़रा इसको खूब फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार चटपटे से बनते हैं, ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। अपने चने जो हमने बॉयल करके रख रखे थे, पहले इन चनों को भिगो के रखिएगा एक डेढ़ घंटे के करीब, फिर इनको उबालिएगा और अच्छे तरीके से उबालिएगा, कच्चा ना रहे बिल्कुल चना। उबाल के इनको आप फ्रीज भी कर सकते हैं, मैंने उबाल लिए थे और मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। अब हम इसको ढक कर रखेंगे ज़रा थोड़ी सी देर के लिए, ताकि मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं चनों के साथ, और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे और आपको दिखाते हैं थोड़ी सी। अच्छे तरीके से इसकी स्टीम बननी शुरू हो गई है, अब हम इस पे लिड लगा देंगे ताकि अच्छे तरीके से पकना शुरू हो जाए, और फिर थोड़ी सी देर के लिए धीमी आंच करके इनको रख देंगे। फिर आप देखिए, बस अब सारी टमाटर का, इसका, प्याज का, सब चीज़ों का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, और हमने इसे खूब अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है, चनों को बिल्कुल रेडी हो गए माशाल्लाह। देखिए अब इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, इसको खूब अच्छे तरीके से खुश्क कर लीजिएगा। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये हरी मिर्चें जो हमने दो काट के रखी थी, और हरा धनिया, इसको डिश आउट करते हैं चनों को, और आपसे मिलाल्ला। हमने काले चने बिल्कुल तैयार कर लिए हैं, दुआओं में याद रखिएगा, माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बने हैं चटपटे, आप ट्राई करके देखिएगा, और जजाकल्ला खैरुन कसीरा, खुश रहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।